ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पिछले कई दिनों से पुलिस भर्ती जारी है। 3 दिनों में महिला अभ्यर्थियों द्वारा इसमें भाग लिया गया। भर्ती के तीसरे दिन शनिवार को लगभग 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1190 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता की परीक्षा में भाग लिया। इन महिलाओं में से 586 महिलाओं ने ही परीक्षा को पास किया। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पिछले 3 दिनों से पुलिस की भर्ती आयोजित की जा रही है। 3 दिनों से महिला अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। भर्ती के तीसरे दिन शनिवार को 1500 महिलाओं को बुलाया गया था, जिनमें से 1190 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 586 महिलाओं ने परीक्षा को पास किया। वहीं गत दिनों 1200 महिलाओं को भर्ती प्रक्रिया में बुलाया गया था, जिनमें से 1013 महिला अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में भाग लिया और 485 महिलाओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। भर्ती प्रक्रिया की हर एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज भर्ती के लिए 1500 महिला कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है। पिछले कल 1200 कैंडिडेट्स को बुलाया था, जिनमें से 1013 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और उनमें से 485 कैंडिडेट्स पास हुए। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो लॉन्ग जंप में फेल हुए हैं।